आज मैं आपके लिए कटहल की बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है कटहल मसाला दो प्याज़ा, और ये मैं कुकर में बनाऊँगी और इसके फ्लेवर एकदम लाजवाब आता है। बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल सब्ज़ी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा किलो कटहल लिए हैं, ये कच्चे वाले कटहल ही लेने हैं। जब भी आप इसको छिलें या काटें तो हाथ में सरसों का तेल लगा लें, चाकू में भी सरसों का तेल लगा लें, वरना इसमें लेस रहती है। इसमें खूब सारा लहसुन अदरक पड़ता है, उसी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये कटहल मसाला दो प्याज़ा है, इसीलिए इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी लगेंगे और लंबाई में कटे हुए भी प्याज लगेंगे। यही इस रेसिपी को स्पेशल बनाएंगे। और साथ में इसमें खूब सारे खड़े मसाले पड़ते हैं जो इस रेसिपी में चार चांद लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई में मैंने 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तो सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के कटहल को काटे हैं, थोड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है। अब लगभग 8 से 9 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए, हल्के हाथों से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे, जब तक ये हल्का इसके ऊपर कोटिंग ना आ जाए। थोड़ा ये भुन जाता है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। ये देखिए, आप चाहें तो बीच में इसे एक दो बार ढक भी सकते हैं, लो फ्लेम पे, लेकिन ढकें। तो ये देखिए, 7 से 8 मिनट में ये अच्छे भुन गए हैं। ये देखिए, ऊपर इसके कोटिंग आ गई है। तो एक प्लेट में इसे मैंने निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे पूरा 2 पॉड है लहसुन का, लगभग 30 से 35 कलियाँ लहसुन की होंगी, 2 हरी मिर्च है, 1.5 इंच अदरक है इसका। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, थोड़ी सी ही काली मिर्च ली है, एक दालचीनी स्टिक ली है, 6 से 7 लौंग लिए हैं, 2 इलायची है, उसे मैंने कूट लिया है, एक बड़ी इलायची है, एक जावित्री है, आधा टी स्पून यहाँ पे मैंने साबुत जीरा लिया है, और 1/4 चम्मच हींग ली है। खड़े मसाले आप ज़रूर लें, एक तेज़पत्ता भी लिया, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सब्ज़ी हम कुकर में बनाएंगे। तो 3 टेबल स्पून सरसों का तेल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, एकदम अच्छा ये गर्म हो गया है। तो सारे खड़े मसाले जो मैंने आपको बताए थे ना, हम इसमें ऐड कर देंगे। और 2 प्याज मैंने बारीक काट के इसमें ऐड की है। अब ये देखिए, इसको एकदम लाल हो जाने देंगे प्याज को, जो मैंने प्याज बारीक काट के ऐड की है ना, दो प्याज को बारीक काटा है, तो उसको एकदम लाल जब हो जाए, उसके बाद हम इसमें 4 प्याज ली है, उसे मैंने लंबाई में काट के ऐड की है, क्योंकि कटहल मसाला दो प्याज़ा है ना, तो इसमें प्याज का अच्छा फ्लेवर आना चाहिए। तो जो लंबाई में मैंने प्याज काटी है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, हल्का पिंकिश हो जाए, 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये हल्का पिंकिश हो गया है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, क्योंकि इसका जूस हमें चाहिए, इसी से तो फ्लेवर आएगा अच्छा। अब ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। देखिए, इसे लगातार हम चला लेंगे। और ये कैसे, ये तेल देखिए थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून ये धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक भी इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर दें। तो नमक, ये देखिए, इसमें ये सारे मसाले इसी स्टेज पे भून लेंगे तेल में। तो ये अच्छे भुन जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। ये देखिए, ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून हम पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बंद कर देंगे और इसकी सीटी हम 2 सीटी हाई फ्लेम पे इसकी लगा देंगे, और फिर तुरंत गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका प्रेशर निकाल देंगे। इससे क्या होगा, ये देखिए, मसाले अपने आप अच्छे से पक गए हैं। फिर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, तो इसे ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है मसाला। तो ये एक ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। 2 सीटी आप लगा दें मसालों में, ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है वो मसाला। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे फिर पका लेंगे। और ये जो प्याज का सारा जूस जो है, वो एकदम गाढ़ा हो चुका है। इस ट्रिक से सारे खड़े मसालों की खुशबू आ गई है, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है।
तो अब हम इसमें ये देखिए बहुत ही अच्छा मसाला भून के तैयार हो गया है। ये जो मैंने फ्राई करके रखे थे कटहल, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे मसालों में। 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे, कोट कर लेंगे इसे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू अभी से आ रही है इसमें, कितनी ये सुंदर दिख रही है। तो अब हमें यहाँ पे पानी ऐड करना है। पानी अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वैसे ही थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसे मिक्स कर दें और फिर इसका ढक्कन हम लगा देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने देंगे, फिर फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे लगभग 2 सीटी आने देंगे और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, उसमें ये अच्छा पक जाता है। ये देखिए अब मैं इसका ढक्कन आपको जब खोल के दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, तेल इसके ऊपर आ गया है, क्योंकि मैंने जिस ट्रिक के साथ मसाले भुने थे ना, उस ट्रिक के साथ अगर आप भी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी भी ऐसी बनेगी शानदार एकदम। ये देखिए कटहल मसाला 2 प्याज़ा, इसमें खड़े मसालों का, प्याज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए और जैसे जैसे ये थोड़ी ठंडी होगी ये और गाढ़ी होती जाएगी, तो लास्ट में इसे धनिया की पत्ती के साथ हम गार्निश कर देंगे, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती के साथ। ये देखिए कितनी ये सुंदर दिख रही है और ये कुकर में बन के तैयार हो गई है झटपट। ये देखिए मैं इसे दिखा रही हूँ सर्व करके, इसे आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी सुंदर दिख रही है और कटहल भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से ये सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए अंदर तक इसके जूस गया है। ये देखिए अच्छा सॉफ्ट हो जाना चाहिए कटहल,